हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल अहलवार है। अभी कुछ समय पहले से हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जहां हम 3 पार्ट में हम उसके वीडियो बना चुके हैं, जहां पे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और चैप्टर सेकंड में जहां हम रिकवरी ऑफ मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे, चैप्टर सेकेंड के बारे में, जो सेक्शन 9 टू सेक्शन 25 दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 9 की। तो सेक्शन 9 बोलता है डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट फॉर द रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, संविधान पर आधारित अनुतोष के लिए वादों में प्रतिरक्षा। तो ये अगर नाम से इसके देखें तो डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट फॉर द रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो वो डिफेंसेस जो किसमें दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो इस सेक्शन को अगर हम देखते हैं तो ये बोलता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड देयर एंड वेयर एनी रिलीफ इज क्लेम्ड अंडर दिस चैप्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन अगेंस्ट हुम द रिलीफ इज क्लेम्ड मे प्लीड बाय वे ऑफ डिफेंस एनी ग्राउंड व्हिच इज अवेलेबल टू हिम अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इससे सेक्शन से क्या शो हो रहा है कि मान लो कोई व्यक्ति ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल किया, तो उसको जो डिफेंस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दे रहा है वो तो दे ही रहा है, साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू उसको रिलीफ मिले हैं या डिफेंसेस दिए हैं तो वो उसका भी उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो अब जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में बात करें कि कौन कौन से रहते हैं डिफेंसेस, जहां हम सेक्शन 10 की बात करें, क्या अगर लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी है, अगर वो माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये एक डिफेंसेस है, कंसिडरेशन नहीं है, और या मान लीजिए ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के ये जो डिफेंसेस हैं वो हम कहाँ इसमें बात कर सकते हैं, सेक्शन 9। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो होता है उसमें क्या क्या है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो हम जैसे कोई सूट फाइल किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो कोर्ट क्या पहले देखेगा, चेक करेगा कि भाई ये कुछ कुछ कंडीशन जो एक्ट में दिए गए उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो जो टर्म्स हैं उसके अधीन में है तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जाएगा। तो वो जो टर्म्स है वो किस में बात करेंगे, वो 11(2) सेक्शन 11 के 2 में और सेक्शन 14 और सेक्शन 16 में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम ये चारों सेक्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 10 पे हेड देखते हैं, इसके हेड क्या बोलती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इंपोज्ड बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंड इन द सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। ठीक है, तो वही बात जो हमने अभी बात करी कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है तब इशू किया जाएगा, तब वो कौन सी, इन जो सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 में जो दिया गया उसमें आता हूँ, और जो सेक्शन 14 में आता हो सेक्शन 16 में आता। ठीक है, इनके अधीन में रहते हुए कोर्ट क्या करवाएगा, पालन कराएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विनिर्देश अनुपालन की। ठीक है, अब जैसे हम सेक्शन 11, ये जब जैसे बन जाए, जैसे आपको अगर क्वेश्चन आता है मैथ्स में तो ये इकट्ठे लिखे जाएंगे। ठीक है, इन व्हिच कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में भी इनफोर्सेबल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इनफोर्सेबल, तो ये जो चीजें ये सेक्शन आपको मेंशन करना होगा। अब देखिए, इसका सेक्शन 11 बोलता है केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद अ ट्रस्ट एंड इंपॉसिबल। तो 11 जब हम सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 को देखते हैं तो ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। मतलब के बात करें तो किसी न्यासी द्वारा उसकी शक्तियों के बाहर या न्यास के भंग में की गई संविदा विनिर्देश परिवर्तन नहीं किया जाए। मान लीजिए एक जो ट्रस्टी है वो किसके बेनिफिशियल के, जो ट्रस्ट बनाया गया है उसके बेनिफिशियल के लिए काम करता है, अगर मान लीजिए उस कैरेक्टर को छोड़ के वो किसी अदर कैरेक्टर में उसने जो काम किया, जो उस जो ट्रस्ट की एक्सेस जो पावर है उसको छोड़ के कहीं और उसमें किया है, तो जो उसके जो दूसरे कैरेक्टर में काम किया गया है तो उसको हम स्पेसिफिकली इंपोसिबल नहीं किया जा सकता। तो ये कंडीशन है, एक बाउंडेशन है कि ये जो एक्सेस ऑफ इस पावर, जो एक्सेस ऑफ पावर जो उसने दूसरे कैरेक्टर में कुछ काम किया है तो हम उन काम के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। तो ये कौन बात करता है, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11। अब जैसे हम देखते हैं इसका सेक्शन 14
तो सेक्शन 14 बात करता है नॉट स्पेसिफिकली इनफोर्स, तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो स्पेसिफिकली इनफोर्सेबल नहीं है, तो फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इनफोर्सेबल। तो पहले जो ए बात करता है यार, पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन अ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20। तो अभी हम आपको जनरली बता देते हैं मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए प्लेंटिफ है, उसने क्लेम किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, तो एक प्रोविजन जो अभी जोड़ा गया था अमेंडमेंट द्वारा, तो उसमें अगर किसी व्यक्ति ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा लिया, मान लीजिए प्लेंटिफ ने ही सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा ली अपनी एजेंसी द्वारा, तो वो फिर क्या नहीं कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये बात जब हम सेक्शन 20 पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो एक ये हो गया इसके अंदर में सेक्शन 14 में कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट क्या है स्पेसिफिकली इनफोर्सेबल नहीं है, अगर आपने परफॉर्मेंस करवा लिया सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 20 तो उसका आप नहीं करवा सकते। बी बात करता है अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस व्हिच इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ द कंटीन्यूअस ड्यूटी व्हिच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक कंटीन्यूअस ड्यूटी पर चल रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए कंटीन्यूअस ड्यूटी में है, मान लीजिए डे बाय डे है या कुछ ऐसा है जो चल रहा है जिसपे कोर्ट कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो उसका भी आप क्या नहीं करवा सकते, स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकते, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं सी क्लॉज की, ये बात करता है कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन अ पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टी दैट द कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द मटेरियल टर्म। अब देखिए इसमें बात करिए डिपेंडेंट ऑन अ पर्सनल क्वालिफिकेशन, तो पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या है, मान लीजिए प्लेंटिव है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया डिफेंडेंट से कि आप मुझे एक पेंटिंग बनाएंगे जिसकी, अगर आप पेंटिंग बनाएंगे तो हम उसके एवज में आपको 500 रुपए देंगे, ठीक है। अब वो क्या है ना, उस डिफेंडेंट की क्या है पर्सनल स्केल है, पेंटिंग बनाना हर कोई व्यक्ति तो बना नहीं सकता जो उस तरीके जो उसको चाहिए, तो अगर उसको वो जो स्पेसिफिक जो पेंटिंग की बात करिए तो वो डिफेंडेंट ही बना सकता है। अगर मान लीजिए वो इनकेपेबल हो गया नहीं बना पा रहा है या कुछ ऐसी कंडीशन आई, तो आप किसी और से तो उसका इंफोर्सिबिलिटी, तो अब उसके लिए आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये बात करता है 14 में सी, ठीक है। अब देखते हैं हम जो डी बात करता है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नेचर डिटर्मिनेबल। अब नेचर डिटर्मिनेबल ऐसा है कि जिसकी प्रकृति कैसी अवधारणी मतलब चेंजेबल होता रहता है, तो चेंजेबल होता रहता है तो हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वही कंडीशन मान लीजिए उस समय जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट की फिर नहीं होती है, तो ये कंडीशन भी अगर होती है तो आप स्पेसिफिक इनफोर्सेबल नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी सेक्शन 14 की। अब हम देखते हैं सेक्शन 16, तो ये क्या करता है, ये भी पर्सनल बार करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से। अब देखिए हम देखते हैं इसकी हेडिंग सेक्शन 16 बोलता है पर्सनल बार्स टू रिलीव A specific performance of contract cannot be enforced in a favor of person. तो ये क्या है ना, ये एक बाउंडेशन बना दी है, टर्म्स बना दिए हैं कि अगर ये इन कंडीशन में आता तो आप क्या है बार हो, आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको वर्जन कर दिया जाएगा, आप निर्दिष्ट अनुपालन के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो आपको करवाना है उसके लिए आप बार हो जाएंगे, ठीक है, आप वर्जित हो जाएंगे। तो ए इसका बात करता है who has obtained a substituted performance of contract under section 20। तो यही जो हमने बात करी थी इसमें 14 के ए में कि अगर किसी व्यक्ति ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा ली अंडर सेक्शन 20 तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता, ठीक वैसे ही इसमें। अब देखिए इसका जो बी बात करता हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग और वायलेट एनी एसेंशियल टर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑन अ पार्ट रिमेंस इन अ परफॉर्म और एक्ट इन अ फ्रॉड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन फुली एक्ट्स इन अ वेरिएंस एंड द सब वर्जन ऑफ द रिलेशन इंटेंट टू एस्टैब्लिश बाय द कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए अगर जो प्लेंटिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट लेके आया और वो ही क्या है इनकेपेबल है, अपने पार्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इनकेपेबल है, या उसने क्या कर दिया वॉयलेट कर दी तो एसेंशियल टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन थी कि भाई ये दोनों साइड से हो गया और उसने वो अपनी जो वॉयलेट कर दी है तो फिर क्या है तो वो बाहर हो जाएगा। और अगर वो क्या करता है फ्रॉड करता है, जो अपने उसके पार्ट में है वही फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, तो वो बाहर हो जाएगा। साथ साथ अगर वो बिल्कुल ही एक्ट कर रहा है उसकी वेरिएंस उसकी चेंजेस कर रहा है टर्म्स में तो वो
वो पर्सनली बात, तो ये कौन सा बात करता है 16 का बी। अब देखते हैं इसका सी, हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज परफॉर्म और हैज ऑलवेज बीन रेडी विलिंग टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर परफॉर्मड बाय हिम अदर देन टर्म्स द परफॉर्मेंस ऑफ व्हिच इज प्रिवेंटेड टू बेटर द डिफेंडेंट। अब देखिए ये क्या बात करता है, हम कई बार देखेंगे जहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी है, तो मान लो प्लेंटिव को अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट ला रहा है, तो सबसे पहले उसको अपनी रेडीनेस और विलिंगनेस तो बतानी पड़ेगी कि भाई हम भी इच्छुक थे करवाने के लिए, और जब जब समय था हम रजामंद तो बच्चे को रहे हैं, ठीक है, और हमने अपने बिहाफ पे हमेशा तैयार रहे हैं, हम हमेशा तैयार रहे, लेकिन डिपेंडेंट ने ऐसा किया। तो सबसे पहले अगर आप ला रहे हो, जैसे सूट ला रहे हो, जैसे इक्विटी पे भेज के भाई आपको क्लीन रैंक में आया, तो भाई आप अपने साइड से तो परफॉर्म किया हो आपने, ठीक है, तो आप अपने साइड से तो रेडी और विलिंगनेस तो आपकी रही उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रति। तो ये वही बात करता है, अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाएंगे हमारी रेडी और विलिंगनेस की, तो आप पर्सनली पार हो जाओगे किससे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से, ठीक है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन ये बात करता है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व द पेमेंट ऑफ मनी इज नॉट एसेंशियल फॉर द पे Plaintiff to actually tender the defendant or deposit the court money except so directed by the contract, ठीक है। तो ये बात करता है कि जहाँ मान लीजिए payment of money है कोई भी contract में, तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो amount है वो defendant को दे या वो court में deposit करे, otherwise अगर court ने direct ना किया गया हो तो, ये clause C के बारे में है। फिर इसका second, the plaintiff must prove the performance of the readiness and willingness to perform the contract according to the true construction. तो इसका एक एक इन्होंने दिया है कि सुल्ह अर्थान्वयन, मतलब एक लिटरल जो टर्म्स होगी, जो लिटरल जो चीज होगी उसमें उसका क्या किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मतलब सुल्ह टाइप में जो जनरली उसमें वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उस चीज में उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट थे जहाँ हमने बार की बात करी कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या क्या टर्म्स होंगी, तो इसमें सेक्शन 11 के सब सेक्शन 2, सेक्शन 14 और सेक्शन 16। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सेक्शन में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थैंक यू।